बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माता बहनों, बहुत लंबे समय से आप लोग हमारी साध्वी बहनों से बहुत सुंदर सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद ही कुछ बचा हो जो मुझे कहना हो, फिर भी आज्ञा हुई है आज्ञा पालनार्थ कुछ निवेदन। मनुष्य जीवन विषय मनुष्य को किस प्रकार अपना कल्याण करना चाहिए, किस लिए हम सत्संग सुनते हैं, किस लिए हम यहाँ आए हैं, इन सब बातों को करीब करीब सभी लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं और कल्याण की आशा लेकर के ही कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में अपने जीवन को लगाता है। ऐसे व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो चाहे परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, हर व्यक्ति एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझते हैं, जीने का प्रयास करते हैं। तो सुनना, कहना, समझना, जीना बहुत जरूरी है। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब हमको क्या कहते हैं? सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, सद्गुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहत हो अबते संभल संभार। सबकी बात तो सुनो, लेकिन यहां सद्गुरु क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, सद्गुरु वचन सुनो हो संतो, सद्गुरु का वचन सुनो, सद्गुरु की वाणी सुनो। तो प्रश्न हो सकता है कि सद्गुरु कौन? क्योंकि संसार में अनेक सद्गुरु है, अनेक संत पंथ मत संप्रदाय सब में सद्गुरु है। अगर सद्गुरु शब्द को समझना है तो उस क्रम को हमें समझना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हो, वो भौतिक जीवन से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक जीवन में अपना जीवन जीने के लिए कुछ उसके जीवन में जिज्ञासा होती है। मैं कौन हूँ, जगत क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ऐसी अनेक प्रकार की जिज्ञासा उसके जीवन में उत्पन्न होती है। और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो किसी गुरु के पास, संत के पास, किसी परंपरा में जाता है, जुड़ता है, उस जिज्ञासा को प्रदर्शित करता है। और जहां उसकी जिज्ञासा शांत होती है, जहां उसका प्रश्नों का समाधान होता है, तो जिज्ञासु जो उसकी प्रथम श्रेणी है, जिसको जिज्ञासु कहा जाता है, और वही व्यक्ति का जब सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है, किसी संत के द्वारा सारी जानकारी मिल जाती है अपने विषय में, जगत के विषय में, स्वर्ग के विषय में, बंधन के विषय में, मोक्ष के विषय में, तब उसकी आस्था वहां जुड़ती है और वह धीरे धीरे मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। वो संत गुरु से जुड़ जाता है तो उनको मुमुक्षु कहा जाता है। जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जो सर्वप्रथम जिज्ञासु बना, फिर मुमुक्षु बना और साधना करने लगा,
किसी गुरु के सानिध्य में उनके बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू किया, वो साधक कहलाता है। और साधक साधना करते करते कभी अपने मन से हार जाता है, कभी अपने मन को जीत लेता है, तो ये साधक की अवस्था है। और जो लंबे समय तक साधना करते करते पूर्णतः अपने मन को जीत लेता है, अपने मन का स्वामी बन जाता है, उसी को हम संत कहते हैं। और उसी संतों में से सद्गुरु पद है, जो जीवों के कल्याण के लिए किसी को दीक्षा देते हैं, उसको सन्मार्ग में, उसको कल्याण के मार्ग में लगाते हैं। तो इस प्रकार सद्गुरु कौन? जो जिज्ञासु, मुमुक्षु, साधक और संत, इन श्रेणी को पार करके जब उस अवस्था में पहुंच जाता है कि स्वयं अपने जीवन का, अपने मन का स्वयं मालिक बन जाता है, वो सद्गुरु पद है। सद्गुरु ऐसा चाहिए, लोभ मोह भ्रम नाही, दरिया से न्यारा रहे दिशे दरिया माई, ये सद्गुरु पद है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, सद्गुरु वचन सुनो हो संतो, हे संतो सद्गुरु का वचन सुनो। सद्गुरु वचन क्या है? साहब ने कहा है, निर्णय वाणी गुरुमुख होय। जो निर्णय वाणी है वह सद्गुरु की वाणी है। दो और दो चार, ये निर्णय वाणी है, ये सद्गुरु की वाणी है। विश्व के शाश्वत नियम के अनुसार जो वाणी है, प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था के अनुसार जो वाणी है, ये सद्गुरु की वाणी है। और ऐसी वाणी सुनेंगे तभी हमारी भ्रम मान्यता कल्पना मोह माया टूटेगा। तो प्रथम बात सद्गुरु कहते हैं, सद्गुरु वचन सुनो हो संतो। दूसरी बात कहते हैं, मत लीजिए सिर भार। अब प्रश्न हो सकता है कि सिर पर भार तो दिखता नहीं है, है ना? अभी हमारी बहन सुमन, साध्वी सुमन कह रही थी ना कि सबसे ज्यादा बोझ किसके ऊपर, तो ये बोझ क्या है? मत लीजिए सिर भार। सिर पर भार, सिर पर बोझा क्या है? अनेक प्रकार की मान्यता, अंधविश्वास, चमत्कार, भूत प्रेत देवी देवता, शकुन अपशकुन, दिशाशूल, अनेक प्रकार की मान्यताओं के बोझा के नीचे ये मनुष्य दबा हुआ है। आज धार्मिक जगत में भी देखा जाए तो कैसी कैसी वाणी संसार में फैल रही है कि मनुष्य को विवेक जागृत न कर सके और अंध मान्यता में, अंधविश्वास में ले जाए, ऐसी वाणी। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब की वाणी हमें पाखंड, अंधविश्वास, चमत्कार, खोटी मान्यता ऊपर, सबसे ऊपर उठा देती है। तो किसी प्रकार का बोझा लेकर के अगर हम चलेंगे तो चलना मुश्किल हो जाएगा। और अगर पहाड़ पर चलना है तो बोझा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इस संसार में हमें जीवन जीना है तो ऐसा बोझा लेकर के चलेंगे तो कैसे हम अच्छे से सुख शांति पूर्वक जी सकेंगे? कहेंगे आज देखते हैं कि कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया और हम भयभीत हो जाते हैं कि हमारा काम बिगड़ गया। और अनेक प्रकार की मान्यता, ऐसी ऐसी मान्यता संसार में है कि व्यक्ति ऊपर उठ नहीं सकता और उसी बोझा के नीचे अपने जीवन को पसार करता है। तो सद्गुरु कबीर साहब इस बोझा से हमें मुक्त करते हैं, क्योंकि साहब की वाणी पूरी विज्ञान सम्मत है। आज बड़े बड़े नेता लोगों को भी देखो तो किसी तांत्रिक के चक्कर में, किसी मान्यता में, है ना, एक नया कोई साधन, कोई स्कूटर खरीदेगा कि कोई गाड़ी खरीदेगा, तो ये बनाने वाला मनुष्य है लेकिन उसके ऊपर जरूर एक लाल चुंदड़ी लगाएंगे तो क्या उसे एक्सीडेंट नहीं होगा? लेकिन लोग मान लेते हैं कि एक चुंदड़ी लगा दिए तो हमारे जीवन में एक्सीडेंट होगा ही नहीं।
इसी प्रकार कोई नया मकान बनाते हैं तो उसके ऊपर काला टायर लगा देते हैं। अनेक प्रकार की मान्यता संसार में बनी हुई है, लेकिन जब तक सद्गुरु कबीर साहब का सही बोध नहीं होगा तब तक इन मान्यताओं से व्यक्ति ऊपर नहीं उठ सकता। तीसरी बात साहब कहते हो, हजूर ठाड़ कहत हूं। तुम हजूर हो, तुम स्वामी हो, तुम्हारे ऊपर कोई कर्ता धरता नहीं है। तुम अपने कल्याण का स्वयं कल्याण दाता हो, कोई तुम्हारा कल्याण करने वाला नहीं है। लेकिन संसार में जितने भी शास्त्र है, जितनी भी वाणी है, जितने भी मानंदी वाले गुरुजन है, सभी लोग बताते हैं कि तुम्हारा कल्याण कोई दूसरा के द्वारा होगा। किसी परमात्मा की पूजा करो, प्रार्थना करो, वंदना करो, वो तुम्हारा कल्याण करेगा। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब कहते कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे शोकश मरे पियास। तुम अपना कल्याण स्वयं कर सकते हो, दूसरे के भरोसे ना रहो। हम भौतिक जीवन के लिए तो जानते हैं कि हम खेत में बीज डालेंगे तभी फसल पाएंगे, लेकिन कल्याण के लिए किसी मूर्ति के पास बैठ जाते हैं, तमेव माता च पिता तमेव, उन्हीं के पास भोग और मोक्ष दोनों मांगते हैं, बल्कि वो बनाने वाला कौन है? मूर्ति को बनाने वाला भी मनुष्य है, मंदिर को बनाने वाला भी मनुष्य है, पूजा प्रार्थना में जो श्लोक मंत्र बना है वो बनाने वाला भी मनुष्य है, लेकिन उन्हीं का वो दास बन गया, उन्हीं के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, भोग और मोक्ष मांगता है। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब की वाणी हमें इन सबसे ऊपर उठाती है कि तुम स्वयं हजूर हो, तुम स्वामी हो, तुम्हारे ऊपर कोई कर्ता धरता नहीं है। तुम केवल कारण कार्य व्यवस्था, विश्व के शाश्वत नियम, प्रकृति के नियम को अच्छी तरह समझ लो। जड़ क्या है, चेतन क्या है, उसको अच्छी तरह समझ लो तो तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और चौथी बात सदगुरु कहते अब ते संभल संहार, तुम अपने को संभालो और साथ साथ तुम्हारे साथ में रहने वाले अन्य लोगों को भी संभालो। तो संभालना क्या है? अपने मन को संभालना है, क्योंकि हमारे पास शरीर है, मन है और ये बोलने वाला चेतन है। शरीर को हम कितना भी संभालेंगे लेकिन फिर भी वो नश्वर है, परिवर्तनशील है। उसको संयम पूर्वक रखना, उसको स्वस्थ रहे, उसके लिए हम जो कुछ भी योगा ध्यान जो कुछ भी करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, संयम से आहार विहार करते हैं, उसकी आवश्यकता है। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी शरीर परिवर्तनशील और नाशवान है, उसके लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और जो चेतन बोल रहा है वो तो शुद्ध बुद्ध अजर अमर अखंड अविनाशी है, उसके लिए हमें कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं है, बस उसको समझना है। और जो कुछ भी करना है वो हमें अपने मन के लिए करना है। बोलो सदगुरु देव की जय। तो मैं कह रही थी कि हमें अपने आप का बोध हो गया सदगुरु कबीर की वाणी के द्वारा, सदगुरु संतों के सानिध्य में जड़ चेतन का अच्छे से बोध हो गया। अब हमें साधना करके अपने मन को संभालना है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा भी है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अगाए। उस मन को संभाल लो, और उस मन को जो बाहर विषयों में आसक्त है, बाहर विचरण कर रहा है, उस मन को अंतर्मुख करके साधना द्वारा अपने आप में स्थित करो तो हमें सुख और शांति का अनुभव होगा। तो इस शाखी में सदगुरु हमें चार बातें बताते हैं। सदगुरु वचन सुनो हो संतो, सदगुरु की वाणी सुनो, निर्णय वाणी सुनो और उस प्रकार अपना जीवन बनाओ। मत लीजिए सिर भार, अन्य कोई मान्यताओं का बोझा अपने सिर पर न रखो। हो हजूर ठाड़ कहत है। तीसरी बात कहते हैं तुम हजूर हो, तुम स्वामी हो, तुम मालिक हो, तुम्हारे ऊपर कोई तुम्हारा हर्ता करता नहीं है।
और चौथी बात कहते हैं अबते संभल संभाल, तू अपने मन को संभाल, साथ में रहने वाले लोगों के मन को भी संभाल और अपने कल्याण की दिशा में आगे बढ़। इस प्रकार सद्गुरु कबीर साहब इस साखी के माध्यम से चार बात बताते हैं और कैसे हमें अपना कल्याण करना चाहिए। इसीलिए हम सत्संग में जाते हैं, सद्गुरु के पास जाते हैं, उनके सानिध्य में रह करके साधना करते हैं। तो सत्संग, सेवा, स्वाध्याय और साधना द्वारा हम अपने मानव जीवन को सफल बनावे। उन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो सद्गुरु देव की जय। अभी हम साध्वी विजय साहेब जी के बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे।